हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एक नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहें नए से नए डिज़ाइन। तो आइए करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी एंजॉय करें। तो यहाँ 36 चेन बना लेंगे। 36 चेन बना ली हैं। तो यहाँ से पहली वाली चेन में आके इस तरह से टक कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहां पर दो चेन करेंगे और एक एक चेन में इस तरह से हाफ क्रोशिया करते जाएंगे। ये देखिए, जब तीनों स्टिच हम एक साथ बना लेते हैं तो इसे हाफ क्रोशिया कहते हैं। इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, ये लास्ट में आके जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ हम इस तरह से स्लिप स्टिच से टक कर लेंगे। अब फिर से दो चेन करेंगे और एक एक में एक एक हाफ क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, ये सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया हमारा। फ्रेंड्स, इस तरह के हम 6 राउंड बना लेंगे। ये फ्रेंड्स, हमने 6 राउंड बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। यहीं पे एक और स्टिच बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम 1 2 3 स्टिच छोड़ेंगे। 1 2 दो चेन करेंगे, सेम पोस्ट पे फिर से दो स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 छोड़ेंगे, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर से दो डबल क्रोशिया, 1 2 3 ये पूरा राउंड हम इसी तरह बना लेंगे।
यहाँ देखिए फ्रेंड्स, राउंड कंप्लीट कर लिया है। दो स्टिच हमने इस तरफ बनाए थे। अब देखिए, एक दो तीन ये छोड़ेंगे और दो और यहाँ बना लेंगे। अब दो चेन कर लेंगे तो यहाँ पर टक कर लेंगे। ये इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स हम कलर चेंज करेंगे। दो चेन बना लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। एक दो तीन चार, पांच छः सात आठ, पहले वाले में जाएंगे और इस तरह से यहाँ से क्रोशिया हुक में ये स्टिच डालेंगे और ऐसे फिर से एक दो तीन चार, चार चेन करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर आ जाएंगे। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, फिर से चार चेन, एक दो तीन चार। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, पहले वाले में जाएंगे और यहाँ से ऐसे टक कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरी रो हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने ये वाले दोनों धागे काट देने हैं। ये देखिए, ये ग्रीन और ऑरेंज दोनों मैंने काट दिए हैं और इन दोनों को आपस में इस तरह से गांठ लगा लेते हैं ताकि खुले ना। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ये ब्लैक वाला ले लिया है और इस तरह से एक दो चेन करेंगे, एक दो। अब एक स्टिच हम यहाँ पर इसके अंदर बना लेंगे डबल क्रोशिया से। एक
दो तीन, तीन यहाँ बनाएंगे, जो ये चेन है एक यहाँ पर बनाएंगे, तीन यहाँ बनाएंगे, और पूरी ये जो राउंड है हमारा, इसी तरह से इसको कंप्लीट करते जाएंगे। तीन तीन स्टिच चेन पे बना रहे हैं और एक स्टिच हम यहाँ बना रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। ये पूरा हम डबल क्रोशिया से बना लेते हैं इस तरह से फ्रेंड्स। ये पूरा टोटल हमने 7 इंच तक बना लेना है। ये देखिए 3 इंच बन गया हमारा, 7 इंच तक बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने बना लिया है। ये हमारा 6.5 इंच के करीब हो गया है। तो अभी ये लास्ट वाला राउंड है हमारा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? दो चेन करेंगे, एक दो, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ टक कर लेंगे, फिर से दो चेन, दो डबल क्रोशिया। जैसे फ्रेंड्स हम एज बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, उसी तरह से बना रहे हैं। देखिए पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स मैंने। अब ये नीचे वाली साइड है, ये खुली है, तो इसको फ्रेंड्स हम उल्टा कर लेंगे। आप चाहो तो सुई से भी सिल सकते हो इसको, मैं इसको क्रोशिया से ही सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए दोनों साइडें लेंगे, ये देखिए ये दोनों इकट्ठा लेंगे और इस तरह से बनाते जाएंगे दोनों साइडों से ऐसे, बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसको सीधा कर लेंगे।
अब फ्रेंड्स इसकी डोरी बनाएंगे, कोट बनाएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमने चार स्टिच बना लिए। अब देखिए इसको ऐसे घुमा लेंगे तो दो चेन करेंगे, ये चार के बीच में आएंगे ऐसे, तो चार स्टिच बना लेंगे, एक दो तीन चार, फिर से घुमा लेंगे, दो चेन, एक दो छोड़ेंगे और चार के सेंटर में हम चार स्टिच बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसके हम डोरी बना लेंगे, हैंडल कह लीजिए, डोरी कह लीजिए, कॉर्ड कह लीजिए। जितनी लंबी हमने रखनी है उतनी लंबी बना लेंगे। ये फ्रेंड्स मैंने इसका ये हैंडल बना लिया है, तो अब फ्रेंड्स एक ये बटन लिया है, इसको हम अंदर की तरफ ऐसे अटैच कर देंगे यहाँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसको ऐसे बंद कर देंगे बटन को। इस पाउच को फ्रेंड्स आप स्लिंग बैग की तरह, ये देखिए मोबाइल कवर की तरह, ये ऐसे इसको ऊपर से हमने ऐसे बंद कर दिया है। आप किसी भी तरह यूज़ कीजिए, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। फ्रेंड्स आप बनाइए और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।